जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी। कैसे हैं भक्तों? आप सभी को हर एक रोज की तरह देश विदेश में रह रहे भक्तों को माँ कामाख्या ज्योतिष की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे एक साथ ही हमें समय नहीं मिलता है कि हमको आप सभी को शुभकामनाएं करें, लेकिन मैं इकट्ठे होके सभी भक्तों को बोल देता हूँ इसी प्रकार कि सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं माँ कामाख्या की ज्योतिष की तरफ से। और हमेशा ही माँ कामाख्या से कामना करता हूँ कि आप सभी का परिवार कुशल मंगल होगा। भक्तों, मैं आज जो ये देश में जो माहौल है, जो आग फैला दिया है SC ST Act OBC का एक्ट, ये भाई भाई को तोड़ने का काम जो किया है, मैं आज उसके ऊपर बोलने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि तो मैं एक संत हूँ, मैं एक ज्योतिष हूँ, मुझे किसी राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, ना राजनीतिक में आना है। लेकिन बहुत बड़ा तकलीफ होता है कि जो चारपाई होता है, खटिया होता है, इसमें चार पैर होता है। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, ये चारों भाई है। और अगर एक चारपाई का पाया टूट जाए, खटिया का, तो वह जो है बिल्कुल अकेला हो जाएगा और तीन पाया पे नहीं टिक सकता है। मैं आज बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि आज कोई दंगा भड़का के कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। आरक्षण के नाम पे कोई सामने नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भीम आर्मी के जो रावण जो नाम है उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कल जो वक्तव्य दिया है, गाली दिया है, सवर्ण समाज को गाली दिया है, वह अन्यायपूर्ण है और वह बहुत ही खराब है। और अपने अपना परिचय दे दिया है आपने जो है, यह अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मुझे नहीं लगता है कि रावण पढ़ा लिखा आदमी है और कहीं पढ़ा है वो। अगर कहीं पढ़ा भी है तो लगता है शायद घूस दे के पढ़ा है और उसे राजनीति कोई मालूम नहीं है, राजनीति शास्त्र का उसको कोई पता नहीं है और उसे कुछ भी जानकारी नहीं है। वह कल बात कर रहा था, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को गाली दे रहा था और सभी सवर्ण को गाली दे रहा था। मैं कह रहा हूँ, ये समाज जो है, ये सब समाज एकता है। एसी एक्ट जो है, SC ST Act, उसके हम विरोध नहीं है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। और जो मंदिर और मस्जिद है वो सबका है, मंदिर जो है सबका है और सभी का है। ये धर्म निरपेक्ष देश है, किसी के बाप का मंदिर नहीं है कि कोई बोल दे कि हम मंदिर जाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आस्था को कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ उनसे, रावण से, कि कल उन्होंने जो जैसा वक्तव्य दिया है, जैसा सवर्ण समाज को ललकारा है और गाली दिया है, यह अन्यायपूर्ण है। और अपना परिचय देना है यह बहुत गलत है। क्योंकि हम लोगों को आरक्षण नहीं चाहिए, हम लोग आरक्षण लेके क्या करेंगे? हम लोग संत समाज है और जो भी सवर्ण समाज है वह को आरक्षण नहीं चाहिए, वो मजबूत है, वो कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं करता है। मैं रावण से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ताकत है तो तुम उसको ढूंढो कि भाई भाई में कौन फूट डालता है, भाई भाई में कौन दंगा फैलाता है, तुम उसको ढूंढो। कौन ऐसा नेता है जो फोड़ता है और ऐसी ऐसी जो आपका एक्ट है, उस एक्ट के लिए जो है भड़का कौन रहा है, दंगा कौन फैला रहा है, उसको ढूंढिए पहले। और सवर्णों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। जैसे गाली दिया है तुम्हारे बीवी बहू बच्चे जैसे गाली दे रहे थे कल, ये अन्यायपूर्ण है। अपने सभ्यता का परिचय देना है। लगता नहीं है कि तुम लोगों को ज्ञान है और तुम लोग पढ़ा है। अगर पढ़ा भी है तो शायद लगता है कि घूस दे करके पास किया है। सभी को मत सानो, सभी को एक में मत सानो, उसको पहले ढूंढो, उस कारण को ढूंढो कि आखिर ये जो है ओबीसी SC ST Act जो है उसमें दंगा कौन फैला रहा है, उसको पकड़ो, उस सालों को मारो, उस कुत्ते नेता को मारो, उस बहनचोद नेता को मारो, हरामखोर को मारो, जो यह समाज में भाई भाई में दंगा फैला रहा है। और सवर्ण को गाली देने से कुछ नहीं होता है और कुछ भी नहीं होगा, इससे कुछ भी करने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें कुछ ही है दो चार आदमी जो इस तरह का काम करता है और सभी को इस तरह का मतलब नहीं है। मैं कल जो इस पे हमारे भाई शेर सिंह राणा ने जो वक्तव्य दिया है, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, अब मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ रावण, कि तुम 15 साल जेल से रह के आए, 15 साल जेल से रह के आए, तुम अपराध किए क्या किए वो कोर्ट को मालूम है? और
भारत सरकार को मालूम है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है आदित्यनाथ योगी को मालूम है। हम लोगों को कोई नहीं लेना है कि बिना शर्त का छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया, उसे उससे हमें कुछ भी नहीं लेना देना है। लेकिन रही ललकारने वाली बात, तो ध्यान रखना कि अगर हम ललकारते हैं तो ब्रह्मांड और धरती को ललकार देते हैं। इंसान ही नहीं, हमारी ललकार से ब्रह्मांड भी जो है कांप जाता है और धरती भी कांप जाती है। खबरदार, ध्यान रखना, इस तरह का वक्तव्य कभी मत देना, सभी को एक में मत सानना। जबकि बार बार बोल दूंगा, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साधु संत है, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं हमें, हम लोगों को नहीं चाहिए, पहले उसको ढूंढिए। समाज में दंगा करता है, यही बात है, कारण यही है कि ये ठाकुर जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज है, वह किसी, वह कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने यही कहा कि पहले इंसाफ होना चाहिए, पहले इंक्वायरी होना चाहिए, जो गलत है उसको अंदर करिए, जो नहीं है उसको छोड़िए, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, हम आपसे कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं। वो देखिए, मैं बता रहा हूं, वो एक भागवत वाचक है, उसे भागवत करना है, सत्संग करना है, अन्यथा वो राजनीति में नहीं जाएगा, न उसको नेता बनना है। लेकिन गाली देना अन्याय और न्याय के विरुद्ध है, किसी भी व्यक्ति को, किसी को मान हानि पहुंचाना न्याय के विरुद्ध है। वह यही देख रहा है, देवकी नंदन जी यही देख रहा है, आखिर इस समाज में दंगा कौन फैला रहा है। वो भी एससी एसटी एक्ट का सम्मान करता है, उसे नहीं चाहिए, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। और दूसरी बात कि जो पत्रकार लोग परेशान कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आप 2 महीने बोल रहे हैं कि 2 महीना देख रहा हूं, तो बहम में मत पड़िए। उन्होंने यह कहा कि मैं 2 महीने यह देखता हूं कि सरकार क्या करती है, सरकार कहां तक जाती है और सरकार क्या फैसला लेती है। उनका कोई गलत नीति नहीं है, क्योंकि वो भागवत वाचक है तो भागवत ही करेंगे, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ज्योतिष हूँ, आचार्य हूँ, संत हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस समाज के। सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि समाज ठीक रहे और भाई भाई में दंगा नहीं भड़के, जिसका जो भी हक है वो बरकरार है, उसका सम्मान करते हैं, उसको हक मिलना चाहिए। लेकिन